बिलासपुर में पीएम आवास में धर्म विशेष के लोगों के कब्जा कर दरबार लगाने का मामला सामने आया। इस दरबार में तंत्र मंत्र का खेल होता है, झाड़फूंक किया जाता है। न्यूज 18 ने मामले का खुलासा किया, ये रिपोर्ट देखिए। पीएम आवास जो गरीबों के लिए बनाए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम आवास पर धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया और यहां दरबार लगाकर झाड़ फूंक का खेल खेला जाता है। ये सब कुछ हो रहा है देवरी खुर्द के वार्ड क्रमांक 43 में। यहां 300 अटल आवास है, जिसमें 355 मकान गरीब तबके के लोगों को दिए गए। 65 घरों पर निगम ने ताला लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे इन मकानों पर बाहरी और असामाजिक लोगों ने कब्जा कर लिया और मकान नंबर 199 और 200 में एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर दरबार बना लिया। आज किया है तो अटल आवास के जो अब वो अवैध दिख रहा है कब्जादारी, उसने मकान के साथ साथ सामने और पीछे बगल की जमीन पे बेजा कब्जा करके मस्जिद नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। इसकी विस्तृत जांच करके कार्रवाई करना है तोड़ने के लिए। मजार उजार बना लिए हैं और सब अवैध कब्जे हैं ना, किसी के नाम पे अलॉट नहीं है। मैं इससे पूर्व वहाँ के लिए RTI भी लगाया हुआ था, जिसका जवाब अपने को नहीं आया। अभी अपन फिर तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए RTI लगाने के लिए, और वहाँ टोटल अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि ये दोनों मकान शंकर धरू और सुखदेव के नाम पर आवंटित हैं, जिसमें कब्जा कर साकिर खान रह रहा है। मौके पर जब टीम पहुंची तो देखिए कि इस मकान का स्ट्रक्चर बदल कर एक गुंबद नुमा दरबार बना दिया गया और यहां खेला जाता है तंत्र मंत्र का खेल। यही नहीं, सादिक का दावा है कि यहां रोहिंग्या और बांग्लादेश तक से लोग यहां पर पहुंचते हैं। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं, सबकी सारी तकलीफ सारी परेशानी दूर होती है और निशुल्क इलाज है। हमारी पड़ताल में चौंका देने वाला मामला सामने आया। पता चला कि लव जिहाद का मामला भी सामने आ चुका है, जिसमें 13 साल की मासूम को झांसा देकर इमरान नाम का शख्स UP भगा ले गया था, लेकिन हिंदू संगठनों और पुलिस के प्रयास से बच्ची को बरामद कर लिया गया। बालिका के एक परिजन आके रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि इमरान नाम का व्यक्ति उनकी नाबालिग बच्ची को बलाफुस लाकर भगा कर ले गया है। पीड़ित पक्ष आवेदिका के तरफ से प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध की गई थी। बालिका को दिनांक 10 तारीख को बरामद किया गया है। अभी प्रकरण का आरोपी फरार है। तो देवरी खुर्द में लंबे समय से कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिसका नतीजा आप और हम नहीं जानते। प्रतना जरूर है कि अब तक की पड़ताल के दौरान जो सुना और देखा उससे तो यही लगता है कि कोई तो है जिसके मंसूबे खतरनाक हैं। लिहाजा जरूरत है कि प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर पर्दे के पीछे छिपे लोगों को बेनकाब करे। उमेश मौर्य, बिलासपुर, न्यूज 18।